मुझे दूध पसंद नहीं, लेकिन दूध फटने के बाद जो जो चीज़ उससे बनता है वो सारे मुझे पसंद है। ये तो वही बात हो गई, यू हैव टू कम फ्रॉम द एग्जिट। सो यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। बर्थडे मैंने बहुत आराम से गुजारा, कोई हलचल नहीं, एकदम चिल। दोस्त आए, ट्रीट लिए, चले गए, ख़त्म। क्योंकि कारण है भाईजान, हर चीज़ में कारण है। कारण ये है, एग्ज़ाम सर पे है, वो भी दो एग्ज़ाम। एक तो सेमिस्टर मेरा आ रहा है और कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी है, और उसी बीच एक राइड भी है। बताओ, राइड में भी जाना है, एग्ज़ाम दोनों पास करने, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं ज़्यादा करके पढ़ रहा हूँ अभी, ताकि मैं राइड पर जा सकूँ। अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ तो एक साल या फिर एक दिन। तो इसी वजह से हमने अपना पार्टी उतना शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तरीके से नहीं किया। इसी वजह से मेरे पैसे भी बच गए, दो निशाने, एक टी, दो निशाने। बट उन सबसे पहले, स्टडीज़ से भी पहले, ये वीडियो मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं वैसा टाइप का इंसान नहीं हूँ जो काम शुरू करने के बाद छोड़ दे। अगर कोई भी काम मुझे करने दिया जाए तो मैं शायद दो तीन बार करते हुए मैं छोड़ दूंगा, या फिर ख़त्म कर दूंगा, या फिर काम कर दूंगा जल्दबाजी में, सही नहीं होगा। और अगर मुझे काम अच्छा लगे तो मैं खुद करूंगा, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं करना शुरू कर दिया तो मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा, ऐसा वाला इंसान हूँ। तो बात यह है, ये वीडियो पहले कंप्लीट करना है, एडिटिंग करके कल अपलोड करना है। ओके, सो दैट इज द चैलेंज ब्रदर, चैलेंज सुमन ब्रो, चैलेंज। तो आपको शायद पता नहीं होगा हु इज़ द सुमन मैन, क्योंकि मैंने जिस वीडियो पे सुमन का जिक्र किया था वो वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देख के डिलीट कर देता हूँ मैं। कभी कभी तो प्राइवेट वीडियो भी चले जाते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। खैर, सुमन वो है जिसने ये गिफ्ट किया है, ये गिफ्ट किया है। और ये गिफ्ट किया है, और यही शूज़ मैं पहन के जाता हूँ, यही सैंड मैं बाहर निकलता हूँ लगा के। तो थैंक यू सुमन जी, मजा। तो बात ये है, सुमन ब्रो ने एक डेडलाइन दिया था, मतलब चार दिन के अंदर तुम्हें एक वीडियो बनाना है। तुम कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, मुझे नहीं पता, बस बनाना है। तो बात ये है, चार दिनों में से सिर्फ दो दिन बचे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ ये। तो बात कुछ यूँ है। खैर कोई बात नहीं, हम लगे पड़े, हम बना के छोड़ेंगे सुमन जी आपको, हम क्या क्या नहीं करेंगे। दुखी नहीं, खफा छोड़ो भाई, रात के दो बज रहे हैं और पढ़े अभी जस्ट ख़त्म हुए। हाँ मैं मॉडल पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी पढ़ना होता है भाई, मतलब कम टाइम में ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो क्या बुराई है। तो आपको तो पता है मॉडल के पीछे क्वेश्चन बैंक होते हैं, पिछले कुछ साल के, हर मॉडल के पीछे नहीं होते, जीवीडी को होते हैं। जीवीडी का मैं पढ़ता हूँ तो, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे ही टाइम पे सिलेबस चेंज ना होता है, सारे बुक्स चेंज कर दिए गए हैं और मुझे क्वेश्चन नहीं मिले, कॉमन क्वेश्चंस। खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ऐड करते हैं सेकेंड टाइम। फर्स्ट अटैम्प्ट अपना ख़राब गया, कोई बात नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि तब तो गर्मी था, अब तो ठंडी है। रज़ाई लेके सोता हूँ, रज़ाई उठाने का हिम्मत नहीं होगा, और हम रज़ाई उठा के दौड़ने की कोशिश करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। खैर प्लानिंग के सारे पैसे, खैर लेट्स गो एंड मेक द ब्लूप्रिंट। सो व्हाई ब्लूप्रिंट? ताकि एग्जैक्टली मुझे पता हो कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या करूं, तो मैं क्या करता हूं, मोबाइल लेके बैठ जाता हूं, यूट्यूब खोलता हूं, गेम खेलता हूं, पबजी खेलता हूं, टाइम ज़ाया करता हूं बेसिकली। सो दैट्स व्हाई दिस ब्लूप्रिंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट।
टाइम ज़ाया ना हो इसीलिए हम ये बना रहे माई टाइम। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रन या फिर जिम। सुबह के फ्रेश एयर में दौड़ने का अलग फील होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जहाँ पे दौड़ने जाता हूँ वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, क्योंकि व्हेन यू ब्रीथ गुड देन यू फील गुड। और राइजिंग सन के तो बात ही अलग है। एंड दिस टाइम इज हैप्पी टाइम, 10 से लेके 3 तक कॉलेज टाइम। जिस जिसको नहीं पता, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, छोटी चड्डी पहनता हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ। फिर 4 से लेके 5 तक सोशल टाइम मोबाइल में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर 6 से लेके 8 तक पढ़ाई। नहीं बताओ, एक आदमी ज़िंदगी में कितना पढ़ सकता है, कितना। बचपन से लेके पढ़े जा रहे वही पेपर के पेज पलटते, मतलब कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई हम, क्या बताएं यार। खैर दिन का अंत हमेशा एक अच्छी चीज़ पे ख़त्म होनी चाहिए, और वो है फ्रेंड्स के साथ मिलना, जुलना, बातें करना, चिल करना। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो 8 से लेके 9:30 या फिर 10 तक फ्रेंड्स टाइम, द हैप्पी टाइम। एंड 10 से लेके 5 तक स्लीप, मतलब सोना, और सारे चीज़ें पुराने जैसे लग रहे हैं, एंड दैट इज़ द न्यू थिंग। सो दैट इज़ द डेली रूटीन ब्लूप्रिंट। बट संडे को कॉलेज तो बंद रहेगा, तो कॉलेज के टाइम पे मैं यूट्यूब वाले सारे काम या फिर फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, मतलब स्किल्स को नरिश करूँगा। तो इसी बीच मैं बिजी रहूँगा जैसा कि मैं चाहता था। खैर, इसी बीच मैंने अपने फैमिली के लिए तो टाइम निकाला ही नहीं, तो दैट इज़ द फैमिली टाइम, एंड दैट इज़ द फैमिली। Let's see, this time I will make it or not. Let's see. तो वीडियो कैसा लगा? सही लगा? सही है। तो अभी हम चलते हैं, रात के 8 बज रहे हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अभी मुझे दोस्तों के साथ होना चाहिए, तो